سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكف بربك انه على كل شيء شهيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله. वलीकुम व लार्जर सब्जेक्ट ऑफ क़ुरान एंड साइंस आज जो टॉपिक हमने अपनी डिस्कशन के लिए सेलेक्ट किया है वो है बिगनिंग ऑफ लाइफ

कि जो मोस्ट और मोस्टली एक्सेप्टेड थ्योरी है आज प्रेजेंट डे थ्योरी ऑफ बिग बैंग, इसकी रोशनी में हमने कुछ गुफ्तु की थी और अगर आपको याद ये भी हो कि लास्ट जहाँ पर हमारी गुफ्तु अख्तित पजीर हुई थी वो थी सूरा फ़सलत की आयत नंबर 11, कि जिसमें हमने ये पढ़ा सुम्मस्तवा इला समाए दुखान के एक वक्त था कि जब अल्लाह ताला ने अपने आप को जब डायरेक्ट किया टुवर्ड्स द यूनिवर्स एंड इट वाज स्मोक दुखान फिर एक छोटी सी वीडियो भी आपको याद होगी कि जिसके ज़रिए से साइंटिफिकली ये प्रूफ किया गया था कि दुनिया में सबसे पहला जोड़ा जो पैदा हुआ था आफ्टर द बिग बैंग ऑफ कोर्स वाज मैटर एंड एंटी मैटर और इन दो जोड़ों की जो खसूसियत है वो भी साइंटिफिकली इज़ नोन डैट वेन एवर दे कम एंड इंटरेक्ट विथ विद ईच अदर आपस में जब करीब आते हैं तो वो एक दूसरे को एनहाइलेट करते हैं वो एक दूसरे को फना करते हैं और तबाह करते हैं तो साइंस ने हमें ये बताया कि इस कॉन्सिक्वेंस की वजह से इन इंटर रिएक्शन की वजह से बिटवीन मैटर और एंटी मैटर बहुत सारे लोकलाइज एक्सप्लोज़न्स फर्दर हुए होंगे इस विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द न्यूली बॉर्न यूनिवर्स और उसका मनतकी नतीजा एक्सप्लोज़न का आप जानते हैं कि हर तरफ फिर धुआँ ही धुआँ, नोन एज कॉजमिक स्मोक था हमारी यूनिवर्स वॉज नथिंग बट ए मेयर कॉजमिक स्मोक वंस आयत में जो अगली दो अल्फाज अगले आ रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं एक साइंस के एक बहुत फंडामेंटल लॉ का कि जिसके ज़रिए से हम आज प्रोसीड करेंगे अपनी डिस्कशन लफ्स हैं अल्फाज आए हैं विलिंगली और अनविलिंगली जब यह धुआँ थी कायनात, तो यहाँ ये अल्फाज क्यों आते हैं इसकी रिसर्च में हमने ये मालूम किया कि साइंस का एक लॉ है एंड विच इज़ डे कॉल्ड लॉ ऑफ एंट्रोपी अगर आप लोगों ने किसी को आ, मौका मिला हो इसको सुनने का लॉ ऑफ एंट्रोपी या फिज़िक्स में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स भी इसको कहते हैं और कुछ लोग उसको प्रिंसिपल्स ऑफ डिसऑर्डर भी कहते हैं और उर्दू में अगर आप समझें तो कानून फनाही भी है अब ये लॉ है क्या इस लॉ को यू समझ लीजिए कि एनी सिस्टम इन दिस यूनिवर्स बाउंड्रीज कोई भी सिस्टम हो क्लोज सिस्टम हो ओपन सिस्टम हो ऑर्गेनिक सिस्टम हो इनऑर्गेनिक सिस्टम हो मैटर की कोई फॉर्म हो उस पर ये लॉ जो है लागू होता है और वो लॉ है क्या एनी सिस्टम लेफ्ट टू इट सेल्फ विल टेन टू डिस इंटीग्रेट इन टू डिसऑर्डर ये इसको थोड़ा समझिए कि कोई भी सिस्टम हो दुनिया का कोई भी सिस्टम ले लीजिए अगर उसको नेचर के रहमो करम पर या एनवायरमेंट के रहमो करम पर छोड़ दिया जाए तो वो अपनी फनाह की तरफ टाइम के साथ चल पड़ता है ये है लॉ ऑफ एंट्रोपी जो जो वक्त गुजरेगा इंट्रोपी में इजाफा होता चला जाएगा यानी इंट्रोपी जब हम लफ्ज़ कहते हैं तो इसका मतलब होता है डिसऑर्डर मुंतशरी तो वह डिसऑर्डर की तरफ सिस्टम चल पड़ेगा इसकी जब मैं एग्ज़ाम्पल दूंगा, तो ये आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी तो अब ये देखिए कि ये विलिंगनेस और अन इसलिए कहा गया चारों ना चार आओ चाहो या ना चाहो तू अन जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं आयत में वो ये इशारा कर रहे हैं कि जो मैटर है वो किस फॉर्म में फना होने के बाद रहना पसंद करता है लॉ भी यही कहता है हर मैटर हर सिस्टम अपनी फना की तरफ जाकर फिर उसमें वो रहना पसंद करता है और उसी में उस वक्त तक रहता है जब तक कि उसको किसी प्रेशर के ज़रिए से किसी ऑर्डर के जरिए से वापस बुलाया ना जाए तो वो लॉ ऑफ इंट्रोपी कहता है तो अपने आप को फना कर लेगा जो मैटर की सबसे ज़्यादा विलिंग स्टेट है वो गैस है गैस स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस ये अगर आप इसको सिस्टम पे छोड़ दें एनवायरनमेंट पे तो उसको जो हालत पसंद है जिसमें वो रहना चाहता है वो है गैसियस स्टेट वो इसलिए कि ना उसका इंटरनल प्रेशर उसमें इतना ज़्यादा होता है ना उस पर एक्सटर्नल प्रेशर होता है और वो उस स्टेट में रहना चाह तो जो स्मोक हो गई थी कायनात वो उसमें रहना पसंद कर करती होगी या चाहेगी या चाहती थी तभी तो ये हुक्म मिला कि आओ तुम इधर इवन इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू कम यू हैव टू कम सो दे कम विलिंगली ये है वो आयत कि जिसके अंदर से हमें ये पता चला कि लॉ ऑफ इंट्रोपी वहाँ लागू हो चुका था कि कायनात अपनी फना की तरफ होकर अपने आप को स्मोक में रहना पसंद करती थी और ये उसकी विलिंगली स्टेट थी इसकी एग्ज़ाम्पल क्या है एक बर्फ़ का आप टुकड़ा लीजिए उसको कमरे में रख कर कुछ देर दीजिए वो पानी में तब्दील हो जाता कुछ और दीजिए कुछ टाइम तो फिर वो आप आएंगे तो वो गैस बन के गायब हो जाएगा भाप बन के चला जाता है ये आपके तजर्बे में ये चीज़ें आ चुकी हैं एक एक सिस्टम था वो आपने कमरे के करम पे या इन्वायरमेंट के रहम करम पर जब छोड़ा तो वो अपने आप को गैस आपके सामने बनकर उड़ गया और यही ये कानून है इसका फितरत और कुदरत है और यही लॉ है जिसको हमने अभी और तफसील से सीखते एग्ज़ाम्पल नंबर टू सेब जो दर से तोड़ा जाता है अपने अगर आप उसको ओपन में रख दें कहीं तो वो जल्द कुछ अरसे के बाद अपने डिके से गुजरता हुआ अपनी एंट्रोपी को बढ़ता हुआ टाइम के साथ साथ इस शक्ल में और इससे बदतर शक्ल में चला जाएगा वेयर इट विल स्टे एज डिसऑर्डर्ड स्टेट एक और मिसाल लीजिए एक डेड बॉडी है उसको ज़मीन पर आप छोड़ें कुछ अर्से के बाद आप देखेंगे कि टाइम के साथ साथ वो डिके होती हुई कुछ तो गैस बनकर एटम्स बन के फिजा में तहलील हो जाएगी और कुछ डस्ट टू डस्ट निकल जाएगी और इसीलिए हम कहते हैं रेस्ट इन पीस आर आई पी कब्रों पर लिखा होता है ओके दिस पीपल आर नाउ इन देयर रेस्ट पोजिशन एंड दिस इज़ अ सिस्टम वेयर एवरी सिस्टम विल गो टू इट्स फनाह फनाह की तरफ चला जाएगा और एंड इट विल स्टे देयर टिल देर एंड ट्गन्स अब हम उस बात करेंगे वो क्या चीज़ है कि जिसकी वजह से इंट्रोपी को रोका जा सकता है या उसको रिवर्स किया जा सकता है उसके लिए एग्जाम्पल लें एक घर की एक घर है आप उसको मेंटेन करते हैं आप उसके ऊपर एफर्ट्स लगाते हैं एफर्ट्स लगाते हैं इन द शेप ऑफ एनर्जी एफर्ट्स लगाते हैं इन द शेप ऑफ योर इंटेलिजेंस विजडम यू हैव इन दो ताकतों से आप इस घर को मेंटेन रख सकते हैं इसकी एंट्रोपी को रोक सकते हैं और अगर आप यहाँ से हट जाएं और अपनी ये एफर्ट्स निकाल लें अपनी ये दोनों ताकतें पावर यानी एनर्जी और आप इसमें से अपनी विजडम निकाल लीजिए घर का जो हाल होगा वो आपको मालूम है वापस हम बर्फ़ की मिसाल लेते हैं बर्फ़ जब कमरे में थी तो आप वहाँ पर इसको ऑब्ज़र्व कर रहे थे आपने ये सोचा कि यह बर्फ जो है जो पिघल चुकी है इसको अब वापस आइस में इसकी इंट्रोपी को रिवर्स किया जाए तो आप क्या कर सकते हैं आपको अब अपनी विजडम इंटेलिजेंस और पावर की जरूरत होगी इन शेप ऑफ़ क्रिएटिंग अ मशीन विच कैन बी नोन एज अ डी फ्रीजर और फ्रिज और वट एवर एंड विद डेट हेल्प यू कैन रिवर्स दिन्रोपी अगर वहीं पर उस कमरे में घोड़ा आ जाए हॉर्स विद द बिगर पावर दैन यू मोर एनर्जी वन हॉर्स पावर और वह जमीन पर लाख पैर मारे आपका क्या ख्याल है कि वो पानी को बर्फ बना लेगा नहीं क्योंकि ही डजन हैव दफी सफिशेंट विजडम द इंटेलिजेंस तो इसका मतलब ये हुआ कि पावर हैज़ टू बी कम्बाइंड विद्डम टू रिवर्स एनी एंट्रोपी किसी भी डिसऑर्डर को रोकने या उसको रिवर्स करने के लिए आपको दो ताकतों की जरूरत होगी बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप ट्रक में कुछ ईंटें जब लेके जाती हैं तो बड़े वेल स्टैक्ड होती हैं और ये जब ट्रक रुकता है और रैंप ऊपर अपना करता है और गेट पीछे से खुलता है जो जो ईंटें जिस तरह गिरती हैं वो आप सब जानते हैं कि कित डिस ऑर्डर फॉर्म में आ जाए अगर आप ये चाहें कि उन ईंटों को फिर उसी तरह की से जैसे वो स्टैक थी इसी बिल्डिंग इसी ब्लॉक्स को ज़मीन पर रखें तो देन यू हैव टू एम्प्लॉय आइदर अ मशीन और अ मैन अ लेबर विद सफिशेंट इंटेलिजेंस एंड सफिशेंट एनर्जी तो ये यहाँ मैं इसको आ, इस छोटे से सब्जेक्ट को समराइज़ कर दूँ कि किसी चीज़ को रोकने के लिए होल्ड करने के लिए यू नीड टू हैव पावर एंड द विजम राइट हम आप चलते हैं सूरा आ, जो फातिर है उसकी आयत नंबर इकतालीस की तरफ कि जिसमें ये एक्सटेंशन है उस वक्त की कि जब कायन को अल्लाह ने बुलाया विलिंगली और अनविलिंगली तो ज़रूरत थी कि अब उनको अपनी पोजीशन पे होल्ड कर दिया जाए और उनको अलाउ ना किया जाए कि वापस वो अपनी डिस की तरफ चल जाए अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एम एज वी सेट इसको होल्ड करने की अब ज़रूरत पेश आई तो उस वक्त अगर आप इस आयत को गौर से अब पढ़ेंगे इन युम से कुछ समावा वल अर्ज़ अन अगर बेशक अल्लाह इस ज़मीनों और आसमानों को अपनी जगह होल्ड किए हुए हैं होल्ड किए हुए हैं ताकि ये तजूल ना हो जाए वापस अपनी तरफ चलना पड़े फिर धुआँ ना हो जाए फिर वो दुकान ना बन जाए तो उसको वहाँ होल्ड करने की ज़रूरत थी और आगे फरमाया कि अगर ऐसा हो जाता वाला इन वालाजालाता और अगर ये कहीं छूट जाए हाथ से निकल जाए तो फिर कौन है इन अम शक हम और उसको फिर होल्ड करेगा सिवाय उस अल्लाह के तो हमें ये पता चल गया कि देर हैज़ टू बी सम पावर सुप्रीम पावर पावरफुल इनफ एंड वाइज इनफ़ टू होल्ड दी थिंग्स इन प्लेस यूनिवर्सली हमने बार बार कहा कि एंट्रोपी जो है टाइम के साथ बढ़ती है टाइम जिस डायरेक्शन में चलता है एंट्रोपी या डिसऑर्डर उसी तरफ चलता है ये आपने अभी मेरे से सुना होगा तो ये ज़रूरी है इस टाइम पे कि हम इस टाइम को विच इज़ ए फोर्थ डायमेंशन ऑफ द यूनिवर्स फोर्थ डायमेंशन और इसको आइंस्टाइन ने कहा था कि स्पेस एंड टाइम आर नथिंग बट रिलेटिव टर्म्स इसको समझने के लिए टाइम को समझने के लिए अगर आपसे ये कहा जाए कि टाइम क्या है तो आप हो सकता है कि घड़ी को देखें और यू यू विल टेल इस वक्त क्या टाइम हुआ है बट यू आर एक्चुअली नॉट डिफाइनिंग द टाइम यू आर टेलिंग द टाइम यू आर मेजरिंग द टाइम आप किसी पैमाने पर टाइम को मेजर करके बता रहे हैं ए सच डेफिनेशन ऑफ टाइम इज मच डिफरेंट देन वट वी नो वट इज़ द डेफिनेशन ऑफ टाइम टाइम इज़ ए रियल फिनमिना ऑफ चेंज जिसके अंदर हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं फ्रॉम पास्ट प्रेजेंट टू फ्यूचर हमारी ज़िंदगी को गुजरने के लिए ये टाइम का पैमाना दिया जाता है और ये पैमाना इजाद होता है बाय द वर्च्यू ऑफ मोशन अराउंड अस जो हमारे इर्द गिर्द जो मोशन और जो चेंजेस आ रही होती हैं उससे ये पैमाना इजाद होता है मिसाल के तौर पर उसकी मेरे ख्याल एक ही मिसाल होनी चाहिए वो सूरज है सूरज मशरक से निकलता है मगरब में रूब होता है अगले दिन फिर मशरक से निकलता है रूब होता है और ये अजली है हमेशा से चला आ रहा है आप इसको जितनी चाहे बैकडेट में देखना चाहें आप पढ़ सकते हैं यू विल सी सन ऑलवेज़ राइजेज इन द ईस्ट और ये इसकी वजह से साय घटते बढ़ते हैं ये भी आपकी ऑब्जर्वेशन में आ रहा है ये भी चेंजेस सूरज करता है रात और दिन को भी अलटता पलटता भी सूरज ही है मौसमों का आना और जाना भी सूरज है तो सूरज बेसिकली एक इंडिकेशन और एक दलील है हमारे इस पैमाना वक्त पर एक जलील है और इसको अल्लाह तुरा फुरकान में इस तरह बयान किया कि क्या तुमने अपने रब की तरफ नहीं देखा कि वो कैसे मद्दज़िल कैसे वो सायों को घटाता और बढ़ाता रहता है और अगर वो चाहता तो इनको साकिन कर देता यानी सूरज को अगर रोक दे तो जाहिर है कि फिर साय भी रुक जाएंगे और टाइम भी हमारा रुक जाएगा बिकॉज टाइम इज़ अ रिलेटिव टर्म उसको हम सूरज की वजह से देख रहे हैं सूरज को रोक दे टाइम विल स्टॉप और अल्लाह ताला ने सूरज को जलनशम सा दलीला हमने इस सूरज को एक दलील बनाया है आप लोगों के वक्त के ऊपर एक और जगह भी अल्लाह ताला ने टाइम के ए, ये इसके लिए ये ज़रा देखिएगा कि इसी पर दुनिया की जो सबसे पहली क्लॉक इन्वेंट हुई थी थाउजेंड यर्स थाउजेंड ऑफ यो दैट वाज नोन एज सन डायल क्लॉक हमारा एक क्लॉक जोद हुई है इसी फार्मूले पे हुई है जो कुरान में दिया गया है कि दिस इज अ गिवन स्केल अगेंस्ट विच यू सी ए शेडो गोइंग राइट एंड लेफ्ट बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द सन सन की मूवमेंट से जो उस इंडिकेटर मूव करता है उससे हमें टाइम का पता चलता है दिस इज दिसिक प्री हिस्टोरिक टाइम मेजरिंग मशीन अल्लाह वक्त के लिए एक दो आयतें में और कोट करना चाहूँगा कि जिसने अल्लाह ने जो शम्स है सूरज को रोशन और कमर को नूरी बनाया है नूर और इनकी मनाजिल मुकर्रर इसलिए कर दी ताकि तुम सन्न और हिसाब अपने वक्त का और सालों का हिसाब रख सको और सूरह तौबा में यूँ फरमाया कि हमारे नज़दीक अल्लाह के नज़दीक जो महीनों की तादाद है वो बारह ही है अब चाहे तुम जितना ज़ोर लगा लो चाहे वो आप सोलर कैलेंडर बना लें आप लूनर कैलेंडर बना लें कमरी कैलेंडर या शमसी आपको महीने बारह ही मिलेंगे क्योंकि डेस्टेंट एक बात हो चुकी है बस उसके बाद अब आप तेरहवा महीना नहीं बना बना सकते ग्यारह महीने नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये इट इज़ इट इज बिन सेट और इसके बाद हम आप उसको इसको समराइज करेंगे इस सारी बात को समराइज करेंगे कि ओवरऑल रूल्स ऑफ एन ट्रॉफी फिर क्या हुआ फाइनली पहली चीज़ ये एक दफ़ा रिपीट कर दूँ कोई भी सिस्टम दुनिया के अंदर यूनिवर्स के अंदर जो भी हो इट विल विद टाइम इट विल टेन टू डिस इंटिग्रेट इट सेल्फ इन टू डिसर अपने आप को फनाह करने की कोशिश करता है वक्त के साथ साथ और इसके फनाह होने की जो डायरेक्शन है वो टाइम है टाइम जिस तरफ बढ़ता है एंट्रोपी या डिसऑर्डर उसी तरफ बढ़ता है किसी और तरफ नहीं जाएगा जिस तरफ टाइम चलेगा उस तरफ डिसऑर्डर और, और फना चलेगी तीसरी चीज़ ना तो आप इंट्रोपी को यानी डिसऑर्डर होती हुई चीज़ को रोक सकते हैं ना ही वक्त को ना ही आप टाइम को रोक सकते हैं ना ही आप इंट्रोपी को रोक सकते हैं इल्लत है इसमें इल्ला, एक कंडीशन है वो ये कि यू मस्ट हैव इनफ पावर एंड यू मस्ट हैव इनफ एंड सफिशेंट विजडम टू डू इट टू पावर्स तो इसीलिए मैंने इन दो अल्फाज को इसमें से बाहर निकाला है क्योंकि ये मैं आपके सामने भी इस्तेमाल करूँगा वो ये कि एक तो पावर जैसे उससे लफ्ज़ निकलता है दावर पावरफुल और जो द मोस्ट पावरफुल है मैंने उसको अलहदा कर दिया है इसी तरीके से यू नीड द सेकेंड क्वालिटी एंड दैट इज़ इंटेलिजेंस और यू कैन से यू हैव टू बी सफिशेंटली वाइज एंड द मोस्ट वाइज हैज़ बीन सेपरेटेड आउट ऑफ दिस टू टेल यू दैट इन कुरान टू सिफ़ात ऑफ अल्लाह हैज़ बिन गिवन इन दिस वे अल अज़ीज़ अल हकीम आज जहाँ भी आएंगे वहाँ आप और ख़ास तौर पर जो मेरा सब्जेक्ट आज का टॉपिक है उसमें ये बहुत ज़्यादा सिफ़ात बहुत पावरफुल है हकीम और मैं अब आपको सिर्फ़ इसको जहन में रख लीजिए और अगली स्लाइड जो कि एक सेट ऑफ तीन आयतें हैं बड़ी लंब, लंबी आयतें हैं सूरह बकरा की टू फिफ्टी एट टू फिफ्टी नाइन और टू सिक्सटी एक साथ आई हैं इंटरेस्टिंगली वो एक साथ आएंगे आई हैं और उसमें आप जरा गौर कीजिएगा कि ये टाइम रिवर्सल और एंट्रोपी रिवर्सल की तमाम खूबसूरत मिसालें आपके सामने अब गुजरेंगी अगर आपके बैक ऑफ योर माइंड ये इंट्रोपी का कानून लॉ ऑफ इंट्रोपी जहन में ज़रा रहिए रखिए और ये देखिए कि इसका रिवर्स कैसे होता है इसका रिवर्स कौन कर सकता है और वही कर सकता है जिसके पास सफिशेंट पावर हो सफिशेंट विजडम हो वही कर सकता है अब जरा एग्ज़ाम्पल में मैं रनिंग ट्रांसलेशन करूँगा टू सेव टाइम क्योंकि आयतें लंबी हैं फर्स्ट टू फिफ्टी एट क्या तुमने नहीं देखा क्या तुमने नहीं देखा उस शख्स की तरफ जो इब्राहिम से लड़ता था बहस करता था कि जिस शख्स को हमने बहुत इज़्ज़त और बहुत मलकियत मुल्क दे रखा था और रवायात में आता है आप जानते हैं कि यह बादशाह जो था उस वक्त का इब्राहिम के ज़माने का जो बादशाह नमरूद था रमूद नमरूद जो था वो दावा करता था खुदाई का खुदा होने का तो उसको इब्राहिम ने कहा कि मेरा रब क्योंकि वो बहस हो रही थी कि रब कौन है क्या मैं हूँ नमरूद या तेरा रब ठीक है तो इब्राहिम ने कहा मेरा रब तो वो है जो ज़िंदा करता है और मारता है तो उसने कहा जिंदा तो मैं भी कर सकता हूँ मार मैं भी सकता हूँ दो रवायात में आता है इट्स नॉट इन दिस के दो कैदी सजाए मौत के बुलाए गए एक को मार दिया एक को छोड़ दिया उन्होंने कहा देखो मैं भी कर सकता हूँ जो तुम्हारा तो खुदा तो फिर मैं हूँ उन्होंने कहा अब जो स्टेटमेंट अब आप पढ़ेंगे अब जिसके बाद वो बोहेत यानी वो घबरा गया और परेशान हो गया वो ये थी कि मेरा रब तो सूरज मशरक से निकालता है तुम इसको मग़रब से ज़रा निकाल कर दिखाओ दिस इज़ a रिवर्सल ऑफ टाइम आप आ, ये अगर आप वर् से देखें तो टाइम को कैसे ही न्यू ही didn't have पावर ना इधर ही had सफिशेंट wisdom। उसको पता था कि इस पर उसका वार नहीं चलता उसका वार तो वहाँ चलता है जहाँ वो हकूमत कर रहा है यूनिवर्स पे तो हुकूमत उसकी नहीं थी सूरज पे उसकी कोई हुकूमत नहीं थी तो उसने कह दिया तो वो बोहे तथ यानी घबरा गया और परेशान हो गया आयत नंबर टू।, टू टू फिफ्टी नाइन टू फिफ्टी नाइन में जिकर है कि एक मिसाल बयान कीजिए एक ऐसे शख़्स की और रवायात में आता है कि जो वो शख्स था वो कोई नबी थे या हज़रत उज़ैर हो सकते हों जिनका जो जिन्होंने एक सफ़र किया एक बस्ती से जब वो गुज़रे वो असल में अपने गधे पर उनकी सवारी थी और अपना खाना वो लेकर चल रहे थे जब वो एक बस्ती से गुजर हुआ उनका जिसको हलाक किया और तबाह किया जा चुका था पहले तो वहाँ वो रुक कर सवाल करते हैं कि मैं सोचता हूँ कि कैसे अल्लाह इस हलाक शुदा तबाह शुदा बस्ती को दोबारा जिंदा करेगा इस सवाल को अल्लाह ने रजिस्टर किया और उसका जवाब ये है कि फरमाया कि तुम मर जाओ और वो मर गया हुक्म पे और जब वो मर गया तो एक साल तक वो मरा रहा 100 साल तक ये मैं ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ अब तो उसको मरे हुए 100 साल गुजर गए तो तब उसको बैस हमने जगाया जब जगाया और उससे पूछा ये बताओ कि तुम कितना अरसा पड़े रहे इस हालत में मुर्दा हालत में तो उसने ज़रूर अपने आप को सर तब देखा होगा अपने कपड़े देखे होंगे और उसने तसली करने के बाद ये जवाब दिया एक दिन या उससे कम क्योंकि उसकी हालत बिल्कुल उसके ऊपर सौ साल गुजरे हैं मगर एंट्रोपी नहीं होने दी होल्ड की गई है उसकी एंट्रोपी वहाँ पर उसका डिसऑर्डर रोका गया है अब इसके बाद अल्लाह ने कहा नहीं तुम्हें सौ साल गुजर गए मरे में कहा अच्छा तो ज़रा अपने खाने की तरफ देखो और अपने गधे की तरफ देखो जब उसने अपने खाने की तरफ़ देखा तो वो तरोताज़ा था आ उस वक़्त भी बिल्कुल ताज़ा खाना तब मेरा ख़्याल है उस आदमी को तसली हुई होगी उस शख्सियत को हाँ मैंने तो फिर ठीक कहा था फिर हाँ, मैं एक पहर या एक दिन या उससे कम अब फरमाया अब ज़रा तुम अब अपनी चेहरे को इस तरफ लेके जाओ और अपने गधे के पिंजर को देखो जब उन्होंने अपने गंदे गधे के पिंजर को देखा तो उनको यकीन हुआ कि वो ये तो बहुत टाइम सौ साल हो सकता गुजर गए हों जो आ, 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 जो आयत है ये एक फिर से आप ये देखिए कि कैसे अब फिर अल्लाह ताला ने उसके बाद फरमाया कि ज़रा गौर करो आप देखो मैं कैसे इसकी जो गधे की तुम देख रहे हो इसकी अब एंट्रोपी को मैं रिवर्स करने लगा लगाऊँ गौर से देखो गोश्त चढ़ेगा इसके ऊपर और यूँ गोश्त हड्डियों पे चढ़ता है और हद गंदा जो है खड़ा हो जाता है इस आयत में मौजूद है ये वो रिवर्सल ऑफ दैट कानून जिसे हम आप, आप ट्रॉफी के नाम से और आखिरी आयत आखिरी आयत दो सौ साठ बकरा की और वो वक्त भी याद करने के काबिल है कि जब इब्राहिम ने अपने रब से कहा अरे नी मुझे दिखाओ मुझे दिखाइए कैसे आप करते हैं वेरी बिग क्वेश्चन वेरी बोल्ड क्वेश्चन तो अल्लाह ने कहा तुम्हें ईमान नहीं लाते हो मुझ पर तुम्हें यकीन नहीं है तो अल्लाह ने इब्राहिम ने फरमाया ईमान तो है मगर इत्मीनान एक कल्ब चाहिए एक कल्ब चाहिए फिर कहा अच्छा तो फिर एक काम करो चार परिंदे लो उनको अपने से मानूस करो जब अच्छी तरह तुमसे मानूस हो जाएं तो फिर उनको बा करके उनके टुकड़े करो और पहाड़ों की चोटियों पर उनको बिखेर दो और पुकारो यहाँ से खड़े होकर वो चले आएँगे तुम्हारे पास सालिम जैसे थे ये भी ज़रा गौर कीजिए ये कैसी इन की रिवर्सल है तो उसके बाद लास्ट में अगर अब लास्ट वर्ड इस आयत के ये तीनों आयतों का जो एंड हो रहा है वो कहाँ हो रहा है वो और कीजिएगा वह आलम और जान रखो सारे दुनिया वालों अल्लाह अजीज़ उन हकीम ये वो कर सकता है एंट्रोपी ट्रोपी के रिवर्सल जिसके पास ये पावर्स हो छोटी रिवर्सल्स आप कर सकते हैं पानी को बर्फ़ बना सकते हैं क्योंकि यू हैव सफिशेंट पावर एंड यू हैव सफिशेंट विजडम टू डू इट बट वैन वी टॉक ऑफ यूनिवर्सल थिंग्स सूरज को उल्टा करना मुर्जों को जिंदा करना ये आपके बस की बात नहीं है ये सब एवरीबडी नोज इट अब हम आएंगे उस आ, बहस की तरफ जो इंटरनेट पे आजकल बहुत ज़्यादा हो गई अगर आप इंटरनेट में शौक़ रखते हो तो लोग सवाल करते हैं और ये हमारा टॉपिक भी है टू सेमराइज इट आधा धड़ा जो है लोगों का वो ये कह रहा है सेकुलरिज्म जिन जो करती है जिनको अपील जो एथियस्ट हैं वो थियोर थियोरी ऑफ इवोल्यूशन पर बिलीव करते हैं और जो रिलीजस तबका है वैसे वो क्रिश्चियंस हो मुस्लिम्स हो वो जो तबका है वही दे टॉक अबाउट थियोरी ऑफ क्रिएशन कि अल्लाह जो है इसमें लाइफ जो है वो क्रिएट की गई है ईवोल्यूशन से नहीं गुजरी है ये बहस जो है आप देखेंगे इंटरनेट पे बहुत आम चल रही है तो मैं आज के फोरम की तपास से अपने कुछ कमेंट्स रजिस्टर करवाना चाहता हूं हो सकता है कोई अगर कोई कल इसको देखे तो उसको फायदा हो और वो ये कन्फ्यूजन से हम शायद निकल सकें थ्यूरी ऑफ एवोल्यूशन क्या है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज फर्स्ट फ्लोटेड बाई चार्ल्स रॉबर्ट डॉर्विन इन एटीन फिफ्टी नाइन और उसमें उसने ये कहा था कि लाइफ अपनी सिम्पल फॉर्म में स्प्रेंग आउट ऑफ नथिंग बट सिम्पल मोलिक्यूल ऑफ वाटर पानी से स्प्रेंग आउट होने वाली वह सादा जिंदगी का वह सदा तरीन सेल लिविंग सेल सदा तरीन वो पानी से बनाया बना था अबाउट फोर बिलियन ईयर्स अगो हम एज़ मुस्लिम्स और कुरान पढ़ने वाले इस बात पे फुली एग्री करेंगे करना चाहिए क्योंकि ये कुरान में लिखा है कहाँ सुरा अम्बिया की आयत नंबर तीस का आखिर पढ़ लीजिए कुल्ला शैन हई कि हमने हर जिंदा चीज़ को वैदर वह नबातात होवानात हो कोई चीज़ हो लाइफ ऑन अर्थ वो स्टार्ट की हमने पानी से ये आप सूरह अंबिया की आयत नंबर तीस में पढ़ चुके हैं पहले तो हाँ हम डॉर्विन वी आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म इज नोंग विद दिस थ्योरी एट दिस मोमेंट अभी तक ये थ्योरी बिल्कुल ठीक है इज जस्ट इन द स्टार्ट लेट्स प्रोसीड विद फर्दर इसका जो आगे तफसीलात हैं वो ये हैं कि फिर डार्विन ने कहा कि ये सिंपल सिंगल यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो आप कह सकते हैं कि बैक्टीरिया आप कह लीजिए फॉर देट मैटर डॉक्टर साहब विल बेयर मी आउट दैट दी सिंपलेस फॉर्म ऑफ जो उस वक़्त प्री हिस्टोरिक जो लिविंग सेल था वो बहुत सिंपल था बहुत सिंपल था एंड इस सिंपल से सेल के अंदर उसने कहा डॉर्विन ने कि वक्त के साथ साथ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो ये सेल अपने आप को नेचुरल सिलेक्शन, नेचर नेचर ने उसको रिफाइन किया एंड इट बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स मोर सोफिस्टिकेटेड मोर इंटेलिजेंट इन विद द पैसेज ऑफ टाइम और वो एक वक्त आया कि वो एक ऐसा लिविंग सेल बन गया ऐसा लिविंग सेल बन गया जो आज हम जानते हैं एंड विल नो कि देर आर हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ प्लेस इन वन सिंगल लिविंग सेल आज अगर हम आप जानते हैं ये इस किस्म के जो मेटाबॉलिज्म है आर टेकिंग प्लेस एवरी सेकेंड इन ए सेल एंड सेल प्रेजेंटली इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स मशीनरी इन आई शुड से एटलीस्ट टू माई नॉलेज इन द यूनिवर्स बहुत तो सवाल ये पैदा होता है कि एक सिंपल सेलुलर यूनीलुलर से बहुत सादा तरीन से एक इतना कॉम्प्लेक्स सेल का बन जाना आपके क्या ख्याल में एंट्रोपी है या रिवर्स ऑफ एंट्रोपी है अब अगर आपने समझे हैं तो ये रिवर्स ऑफ एंट्रोपी की सबसे बड़ी मिसाल है एंट्रोपी यहाँ रिवर्स हुई है अगर रिवर्स ना हो कानून हम फनाई को देखें तो वो जो सेल बना था उसको तो फना हो जाना चाहिए था सौ साल दो सौ साल ए मिलियन ईयर्स में उसको तबाह हो इम्प्रूव कैसे करेगा वो जब रिवर्स याद होगा आपको कि दो ताकतें आपको चाहिए होती हैं दो ताकतें हमेशा चाहिए होती हैं एक्सटर्नल पावर्स चाहिए होती हैं जो इस सेल को फ्रॉम ए सिंपल ऑर्डर्ड फॉर्म टू ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑर्डर फॉर्म ऑर्गेनाइज फॉर्म कर सके आपको वो ताकतें चाहिए होंगी तो वो चाह ताकतें कहाँ से आई लोग कहते फिरेंगे आप सुने इंटरनेट पे नेचर हैज़ सो मैनी पावर्स नेचर हैज़ सोलर एनर्जी नेचर हैज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी नेचर हैज़ हीट न्यूक्लियर आई एग्री विद दैट वी फुली एग्री के नेचर के पास बहुत कुछ है बट नेचर इज ब्लाइंड यू शुड नो नेचर इज ब्लाइंड विदाउट विजडम क्योंकि जब आप नेचर के रहमो क्रम पर कुछ चीज़ छोड़ते हैं और पीछे हट हटके देखें उसको तो 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 ले जाता है अपनी फना की तरफ ये हम देख चुके हैं तो क्यों फना नहीं हुआ हमारा ये सेल और क्यों ऐसे हुआ ये रिवर्स ऑफ एंट्रोपी की सबसे बड़ी मिसाल है और उस वक्त वहाँ पर एक्सटर्नली हैज टू बी ए पावर सफिशेंटली पावरफुल एंड सफिशेंटली वाइज टू मेक दिस हैपन तो मैं डॉर्विन से एग्री करूंगा अगर वह मेरी इस हमारी इस कंडीशन पर एग्री कर जाए मान ले कि नेचर नहीं कुछ कर सकती नेचर इज़ ब्लाइंड और कोई चीज़ अगर कर सकती है तो फिर वो कर सकती है कि जिसके पास फिर विजडम भी होना चाहिए अल्लाह ताली की दो शफात हैं क्रिएशन uh, के सिलसिले में बात करूँ दो सिफा दो सुनते हैं दो तरीक़ों से वो क्रिएट करता है चीज़ों को एक अमले अरत से इवोल्यूशन से और एक अमले अहिया से क्रिएट कौन फा का हुक्म भी वो जारी करता है आप ये देखिए कि दुनिया और कायनात को तेरह इशारिया सात बिलियन साल क्यों लग गए ऐसे बनाते बनाते जबकि अल्लाह एक हुक्म से बना सकता था वाई अबाउट इट इसलिए कि अल्लाह ताला ने अपने अरता को ज़ाहिर किया अमले इरतका में करता हूँ फिर पुतला बनाया आदम का और कन फ़ या का वहाँ जब हुक्म देते हैं तो वो राइज हो जाते हैं यहाँ आमले उन्होंने अहिया का हुक्म दिया कन फ़ून का उसकी ईसा की मिसाल आदम की जैसी है फिर जिसको हुक्म मिट्टी को हुक्म दिया और वह कन फ़ून किया ये भी आयत आपने देखी होगी तो टू समराइज एवरी थिंग जब कभी आप किसी डिसऑर्डर चीज़ को इस ऑर्डर में आता देखें अपनी अपने नज़र दौड़ाइए अपने, अपने यूनिवर्स में माइक्रोस्कोपिकली अपने नफूस अपने अंदर मैक्रोस्कोपिकली पूरे यूनिवर्स के अंदर देख लीजिए और जब आपको कोई सिस्टम इस तरीके से होता नज़र आए कि पहले वो डिसऑर्डर था और फिर वो ऑर्डर हो गया मिसाल इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको देता तो हूँ एक दाने एक बीज की जब आप ज़मीन में उसको दफ़न करते हैं तो उसको तो फना हो जाना चाहिए क्योंकि आप तो उसके रेस्ट इन प्लीस ए, की की जगह पर दफना रहे हैं उसको तो आप दफना रहे हैं मगर क्या देखते हैं कि अगले रोज़ एक चीज़ फूटती है अंदर से लाइफ पत्ते निकलते हैं और उसकी बालियाँ और फिर हज़ार हज़ार दाने उससे निकल आते हैं तो ये सारी की सारी कंट्रोल्ड रिवर्स ऑफ इंट्रोपी है जिसको कोई ही नहीं कर सकता सिवाय वही विच इज़ द मोस्ट पावरफुल एंड द मोस्ट वाइज अजीज़ुल हकीम और टू तो फाइनल वर्ड फाइनल वर्ड फूड फॉर थॉट आप सुरा फसिलत की आयत नंबर 53 को ज़रा देख लिए स हिम हम अन इनको दिखाएंगे अपनी निशानियाँ आफाक में फिलाफाक वफ़ी अन फोस हिम और इनके अपने खुद अंदर हती के यह तब्ना हती कि यह बात बाबर और सामने खुल के आ जाएगी अन्नाहुल हक के यही सच वमा अलिनबला